अब और कोई उनके मतलब टाइप का कोई बंदा है जो फील्ड में हो या कोई इस तरह मुझे नहीं, निकाल के? मुझे बिल्कुल प्यार नहीं हुआ और मुझे बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट किसी में भी अभी। नहीं क्यों? देखिए, प्यार की मैं पूछ भी नहीं रहा, प्यार तो आपका होगा जिसको आपने रिजेक्ट किया ना, तो कोई है ऐसा शख्स कभी नजर आया हो कि हाँ ये बहुत प्यारा है? नहीं, अभी तो सिर्फ फ्यूचर पे, अपने करियर पे कंसंट्रेट है, तो ऐसा कोई भी शख्स मुझे नहीं दिखा। तो इधर भी कोई ऐसा शख्स गोल्डन नहीं जो मेयार पे पूरा उतरे? यही प्यारे लग रहे हैं अभी तुमने। हाय हाय। मुझे कोई थोड़ा बहुत जो भी पसंद आता है वो मैरिड होता है, मैं क्या लेकिन करूं। चले इंशाल्लाह कोई ऐसा प्यारा शख्स आपको मिले बस। जी आप भी कोशिश कीजिए हाँ जी, मेरे उनकी ये तो रोज कोशिश कोशिश कर रहे होते हैं आप, इनकी फिक्र ना करें। लेकिन तुम अपने ब्याह दे फिर बैंड का सानू ऑर्डर देना। अरे यार बैंड का जमाना गुजर गया, तो डीजे वीजे आजकल होते हैं। अच्छा जी वो है डीजे? हाँ मैं डीजे। तेरी की जिंदगी, तू तबले भी कार ले ली जा सकता। आपने कहा कि आपको करियर पे फोकस है, तो क्या आप आगे डू यू वांट टू जस्ट कंटिन्यू एज अ मॉडल और डू यू वांट टू गो इनटू एक्टिंग और समथिंग? मैं पहले एंकर थी, एंकरिंग करने के बाद मैंने मॉडलिंग में स्विच किया, तो मैं अब जो है दोबारा से एंकरिंग की तरफ और होस्टिंग की तरफ जाना चाहती हूँ। एक्टिंग और होस्टिंग की तरफ जाना चाहती हैं। और एक्टिंग आपको किसकी पसंद है? वैसे तो आप सिर्फ देखती हैं इंस्टाग्राम में, तो उस पे कौन पसंद आता है? एक्टिंग उधर भी आती है, इंस्टाग्राम पे भी रील्स होती हैं, उसमें भी एक्टर। रील्स वाली एक्टिंग आपको पसंद है? नहीं मुझे सारी एक्टिंग्स पसंद है वैसे तो। कौन सी आपके कोई एक्टर्स बताएं मुझे, हमजा अब्बासी के अलावा? फवाद खान भी। फवाद खान के साथ एक्टिंग करना चाहेंगी आप? सर आपने मौला जट देखी? जी बिल्कुल देखी। देखिए इनू स्टोरी सुना दे। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी जी। और आपको उसमें किसका किरदार ज्यादा अच्छा लगा? इसमें जी वो बाकी हमजा अली अब्बासी का किरदार बहुत अच्छा। अच्छा यानी कि आप दोनों को नेगेटिव पसंद आ रहा है? किरदार था ना जी उसने बड़ा बकायदा अच्छा रोल की। मगर मुझे बताया वैसे, आर यू हैप्पी ये जो अभी पिछले कुछ महीने की पीटीआई की गवर्नमेंट रही है पंजाब के अंदर? देखिए जी नो डाउट जो साहब एक्सपीरियंस्ड है और मेरा उनके साथ कोई ऐसा इंटरेक्शन तो था नहीं, लेकिन जब वो सीएम बने थे काफली जब मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त उन्होंने हमारी साइड पे साउथ पंजाब में आज तक काम नहीं हुआ नहीं हुआ था नहीं हुआ था साउथ पंजाब। वो रस्ते था नहीं बताना ना सर, उन्होंने पूरे साउथ पंजाब में एक कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया जो कि हम लोग रहीम यार खान से लेकर इवन के क्वेटा तक के लोग वहां पर आकर इलाज करवाते हैं मुल्तान के अंदर। देखिए वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना, 1122 उन्होंने बनाया। कुछ ऐसे काम उन्होंने किए जो के फील कराते हैं जो आज भी चल रहे हैं, ठीक है ना? तो चॉइस साहब एक बंजे हुए हैं। बाकी इस वक्त जो भी चल रही हैं चीज़ें, खान साहब और चॉइस साहब, हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, उनके विजन पे खड़े हैं, बट व्हाट वी थिंक इज कि इकट्ठे हैं बस। ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। वैसे आपका कोई सियासत में इंटरेस्ट होता है कभी? सियासत में नहीं, इमरान खान साहब में शुरू से ही था। सियासत में इंटरेस्ट नहीं है, इमरान खान साहब में इंटरेस्ट है। पीटीआई सपोर्टर हूं मैं। आप पीटीआई सपोर्टर हैं, आप वोट कास्ट करती हैं? नहीं मैंने लास्ट ईयर नहीं। इंस्टा पे होता है वो कर दिया करें? नहीं इंस्टा पे नहीं होता, अगर इंस्टा पे होता तो सबसे पहले। वैसे कितना अच्छा था इलेक्शन भी इंस्टाग्राम पे हो रहा हो, क्या मजा। वो वुड यू लाइक टू वोट फॉर, ठा करके दिया लो गया खत्म साइड पे। अगली रील कौन सी है? ये भी होना चाहिए, बैटरी खत्म हो जाती फिर वोट शुरू तो पे। अच्छा तो यानी कि आपने पिछली बार कास्ट नहीं किया था इमरान खान साहब? नहीं मैंने किसी को भी नहीं किया, किसी को भी नहीं। तो वो क्या संभाल के रखा हुआ था? नहीं मैं कास्ट कर नहीं सकी थी ड्यू टू मैं बीमार थी तो मैं जा नहीं सकी थी। ओए होए आप बीमार ही हो गई इलेक्शन के दिन? हाँ मैं वोट कास्ट नहीं कर सकी, लेकिन मेरा वोट हमेशा से पीटीआई की तरफ। नहीं मगर वो किसी काम का नहीं है पीटीआई के, अगर वो कास्ट नहीं होगा। नहीं इस दफा करूंगी ना, इस दफा करेंगी इंशाल्लाह, जल्दी इलेक्शन होंगे तो फिर। जल्दी इलेक्शन होंगे लग रहा है, ऐसा फील वाइब आ रही है। आपको कैसे लग रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो? नहीं मुझे वाइब आ रही है बस, आई डोंट नो हाउ, लेकिन आई थिंक हो जाएंगे। वाइब आ रही है आपको? आपको पहले से वाइब आना शुरू हो जाती है? आपको वाइब आ रही है? मुझे तो स्मेल आ रही है। वाइब नहीं भी आ रही तो मुझे लगता है पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, और कोई खास वजह उसकी? जैसे कि इन्होंने बताया कि ये किसी भी और कंट्री में जाते हैं, तो कुछ दिन पहले मैं सऊदीया में गई और वहाँ पे मैंने अगर किसी से भी बात की ना तो दे आस्क मी वेयर आर यू फ्रॉम, आई सेड कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओ इमरान खान जिंदाबाद, आई रियली फील गुड कि चलो लोगों को। अगर कहीं वो आपको वहाँ पे कोई ऐसा मिल जाता जो कहता नवाज शरीफ जिंदाबाद, नहीं तो फिर मुझे क्या वहाँ होता? कोई भी ऐसा अगर नहीं हो मिला। देखिए एक फिक्शस एक सिचुएशन है, अगर हो जाता मुझे मिला ही नहीं आपको, नहीं मिला तो इसलिए ठीक है। और सिर्फ ये कि आपको वहाँ पे लोग मिले उन्होंने कहा इमरान खान जिंदाबाद? नहीं उन्होंने ये कहा कि नहीं वो एक अच्छा आपके जो मुल्क में एक अच्छा इंसान हमें पहली दफा कोई दिखा है। आई फील वेरी गुड कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को पता है उनका। तो इसलिए आपके ख्याल से इलेक्शन जल्दी हो जाने चाहिए? मुझे लगता है कि उनके आने से चीजें बेहतर हो सकती है पाकिस्तान, उनके आने से बेहतर हो सकती है, इसलिए इलेक्शन जल्दी होना चाहिए इंशाल्लाह। मगर वैसे इतनी चीजें अच्छी थी, सारी दुनिया वो कर रही थी,
लोग आपको बाहर कह भी रहे थे कि इमरान खान जिंदाबाद, तो इमरान खान साहब एकदम चले क्यों गए? ये तो अब देखें पॉलिटिक्स में तो ये आना जाना चलता है, पिछले हमने कई सालों से ये देखा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी ने भी अपनी मुद्दत नहीं पूरी की, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, तो यानी आप लोग इतनी खप मचा के बैठे, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आना जाना चलता रहता है। नहीं जाना चाहिए था उनको, उनको रहना चाहिए था, एंड आई थिंक वो हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। मैं इमरान खान सानू देखा वजीर आजम हाउस फिर रहे, मैं किधर, कहते मेरे सूट रह गए सी वो लेना है।